हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, उन छात्रों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। एनएमसी ने एक नया ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, नई गाइडलाइंस जारी की है और नीट यूजी के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके लिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी होने वाली है, धमाकेदार खुशखबरी होगी। जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी एस्पायरेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आज मैं आपको बताने वाली एनएमसी ने क्या नई राहत आपको दी है, क्या बड़े बदलाव किए हैं, क्या आप लोगों के लिए खुशखबरी है। तो आगे चलने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, काउंसलिंग के हर स्टेप से रिलेटेड, हर ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि गाइज, अब आपकी नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग चलेगी और काउंसलिंग का नया प्रोसीजर जो है आपके बार फॉलो हो सकता है, क्योंकि एक ऑफिशियल नोटिस भारत का राजपत्र नाम से एनएमसी के थ्रू एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, जिसके अंदर कॉमन काउंसलिंग की बात की गई है। ठीक है, अब काउंसलिंग किस तरीके से स्टार्ट होगी, कॉमन होगी या एआईक्यू या स्टेट कोटा बेस होगी, वो सब जो है डिपेंड करता है एनएमसी के नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस पर। तो आज गाइस हम बताने वाले हैं क्या छात्रों को राहत मिल रही है। तो देखिए, तो गाइस मैंने न्यूज़पेपर ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं एमबीबीएस करना चाह रहे छात्रों को राहत। एनएमसी ने बदला आयु सीमा का क्राइटेरिया। सबसे पहले एज क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया है। क्या एज क्राइटेरिया चेंज किया है? नीट यूजी 2024 में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। एनएमसी ने नीट यूजी रिजल्ट जारी करने के बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए अपने न्यूनतम आयु सीमा के क्राइटेरिया में बदलाव किया है। तो क्या बदलाव किया है वो हम देख लेते हैं। तो अब 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल की आयु पूरी करने वाले विद्यार्थी नीट यूजी 2024 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जबकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने पहले 2 जून 2023 को जो नोटिस जारी किया था, उसमें 31 जनवरी 2024 तक 17 साल की आयु पूरी करने वाले विद्यार्थियों को ही नीट यूजी 2024 की परीक्षा में शामिल होने के पात्र घोषित किया गया था। एनएमसी ने अपने गैजेट नोटिफिकेशन में सुधार कर लाखों छात्रों को राहत दी है। अब विद्यार्थियों का साल बर्बाद होने से बच जाएगा। इसके अलावा ताज़ा नोटिस में एनएमसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट यूजी 2023 में रैंकिंग तय करने के लिए जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी निर्धारित की गई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वह जारी रहेगी। तो गाइस, टाई ब्रेकिंग रूल में क्या चेंज किया गया है? इस टाई ब्रेकिंग पॉलिसी के मुताबिक छात्रों के बराबर नंबर आने पर उनकी रैंक तय करने के लिए सबसे पहले उनके बायो के नंबर देखे जाएंगे। जिसके बायो में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उसे रैंक में ऊपर रखा जाएगा। अगर इससे फैसला नहीं हो पाता तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंकों की तुलना की जाएगी। तो नीट टाई ब्रेकिंग फॉर्मूला क्या है? जिसके बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उसे रैंक ऊपर दिया जाएगा। अगर बायो वाले फैक्टर से रैंक तय नहीं होता तो फिर केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाएंगे। केमिस्ट्री में जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उसे रैंक में ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद फिजिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे। फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उसे रैंक में ऊपर रखा जाएगा। जिसने सही उत्तरों की तुलना में कम गलत उत्तर दिए होंगे, तो उसे ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद जिस उम्मीदवार का बायो में अटेम्प्टेड गलत उत्तर और सही उत्तरों का अनुपात कम होगा, उसे ऊपर रखा जाएगा। आफ्टर दैट इसके बाद जिस उम्मीदवार का केमिस्ट्री में अटेम्प्टेड गलत उत्तर और सही उत्तरों का अनुपात कम होगा, उसे ऊपर रखा जाएगा। जिस उम्मीदवार का फिजिक्स में अटेम्प्ट गलत का प्रतिशत कम होगा, उसको ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, अब अंकों की बाध्यता नहीं। गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक नीट देने के लिए अंकों की कोई बाध्यता नहीं रखी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश विषयों के साथ 12वीं पास विद्यार्थी नीट के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो गाइज, ये बड़ी राहत जो है स्टूडेंट्स को मिल चुकी है। जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, ट्वेल्थ के मार्क्स नहीं, जो परसेंटेज होती है वो नहीं देखी जाएगी। सेकंड, जो एज क्राइटेरिया है, पहले एज के बेसिस पर भी टाई ब्रेकिंग रूल लगता था, लेकिन अब एज नहीं देखी जाएगी और एज के अंदर भी रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये सब एप्लीकेबल होगा नीट यूजी 2024 के अंदर, और 23 के अंदर जो काउंसलिंग होगी गाइज, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के बेसिस पर ही होगी। फिर भी इन सबको लेकर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।